हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है मैदा, बटर, अनियन, ब्लैक पेपर पाउडर, बे लीव्स और कुछ लौंग, सॉल्ट, मिल्क। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी मैदा लिया है, इक्वल क्वांटिटी बटर लिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। अनियन को इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसमें लौंग को इस तरह से डालेंगे। और दूध में छोड़ देंगे। इस तरह से ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनियन और क्लॉक का फ्लेवर दूध में आ जाए। इसको चलाते रहेंगे। दूध बॉईल हो गया है, इसको 2 मिनट तक इसी तरह बॉईल होने देंगे जिससे कि ऑनियन, बेली और क्लोव का फ्लेवर इसमें आ जाए। इसमें से सारा बेली और ऑनियन हम बाहर निकाल लेंगे। इसे हम एक साइड में रख देते हैं। इधर दूसरा नॉनस्टिक पैन रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो रहा है। इसको आप नॉनस्टिक पैन में ही बनाइए और फ्लेम को स्लो पे रखिए। मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे ऑल पर्पस फ्लोर। इसको हमने ऐड कर लेना।
ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना है हमने। ध्यान रखिए कि जो फ्लोर है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। फ्लेम स्लो पे रखिए, बिल्कुल स्लो पे रखिए और इसको लगातार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। बस इतना ही फ्राई होना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। आधा दूध हमने अभी ऐड किया है, थोड़ी देर बाद हम आधा और डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर्स। को लगातार चलाते रहिए, पैन में नीचे स्टिक नहीं होना चाहिए। ये रेडी हो गया है व्हाइट सॉस। इसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर की जगह व्हाइट पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी, देखिए इतना ही रखना है हमें, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। गैस ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रेडी है व्हाइट सॉस। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।